ऑल एलीट रेसलिंग वो कंपनी है जिसने ठान लिया था वी विल स्टिक इट टू द मैन। खैर वो तो नहीं सोका क्योंकि द मैन गायब हो गए मंजरे आम से। ये सब क्यों हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन और बड़ा कुछ हुआ। वी गॉट टू सी स्टिंग बीइंग परफेक्टली यूटिलाइज्ड, इतना कि मेरा खुशी से रोना निकल आता है एवरी टाइम इज म्यूजिक हिट्स। गाइज लाइक डार्बी एलन, जंगल बॉय, सैमी कैसिडी एंड सो मेनी मोर अदर टैलेंटेड रेसलर्स अपनी आर्ट को और अपने स्किल सेट को बेहतरीन तरीके से शोकेस कर सके। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन असल में रेसलिंग कंपनी तब कहीं जाके अच्छी सच्ची कंपनी बनती है जब उनकी अपनी वीडियो गेम आती है। हाय दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज प्रेस प्ले के इस एपिसोड में बात होगी अपकमिंग AEW फाइट फॉरएवर के बारे में, व्हाट वी नो, व्हाट वी वांट टू सी इन द गेम और ऐसे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद ये एक बेहतरीन रेसलिंग गेम हो सकती है, बिकॉज पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है। आई जस्ट रियलाइज द आयरनी, हम ऐसी गेम की बात कर रहे हैं जिसके आज भी ट्रेलर्स में यही लिखा रहा होता है कमिंग सून। बेहतर है कि ये गेम आज है। लेट्स गो। हमारे टॉनी भाई के पास वो चांस आया, वो लकी शॉट आई है इस सब को रिवाइव करने का, उस क्लासिक फन फ्रेंडली पिक एंड प्ले वाली गोल्डन एज ऑफ रेसलिंग गेम्स वाले एरा को रिवाइव करने का। और पहला स्टेप लकीली इन द राइट डायरेक्शन था यूक्स की रिटर्न, जो मास्टर्स ने अच्छे गेम प्ले और रेसलिंग गेम्स इन जनरल के क्रिएटिवली भी ये बहुत अच्छे हैं। ऑल एलीट रेसलिंग फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट सीम्स एग्जैक्टली लाइक उसी एसेंस और फील को ये कैप्चर करना चाह रहे हैं। और अभी तक जितना भी हमने मटेरियल देखा है उसमें एनिमेशंस, मूव्स, सेलिंग और एग्जीक्यूशंस बहुत ही फास्ट हैं, स्नैपी हैं और रैपिड नजर आ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अभी आई स्टिल फील लाइक दैट वी हैवंट सीन अ होल लॉट मच व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट गेम प्ले। क्लासिक स्टाइल का गेम प्ले तो वेलकम्ड है, लेकिन उसमें भी दे नीड टू एड एन वैरायटी, यूनिकनेस वाला एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिन गेम्स से ये इंस्पायर्ड हैं, जिनसे ये मैसिवली अपनी इंस्पिरेशन बोरो कर रहे हैं, याद रखें कि वो किस टाइम पीरियड की गेम्स थी और AEW फाइट फॉरएवर किस टाइम और किस हार्डवेयर की गेम है। AEW के गेम प्ले में मैं चाहता हूं कि हर रेसलर का गेम प्ले यूनिक और ओरिजिनल होना चाहिए, सबकी मूव्स और प्ले स्टाइल में खूब सारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और ऑप्शंस ढेर सारे होने चाहिए। जनरली वी एट IGN पाकिस्तान वुड लव टू सी न्यू एंड एक्स्ट्रा स्टफ, जो टीवी पर कब से हम देख रहे हैं लेकिन गेम्स में आज भी सही से नहीं हुआ और कितनी चीजें तो हुई ही नहीं। फॉर एग्जांपल रिंग के आसपास मैट उखाड़ के एक्सपोज्ड फ्लोर पर मूव्स मारना, स्टील स्टेप्स को डिफरेंट वेज में यूज करना, लेडर्स के साथ खूब फ्रीडम होना, जैसा स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011 में दे ऑलमोस्ट गॉट इट राइट। गेम प्ले में दिखाया गया कि चेयर्स और ट्रैश कैंस जैसी वेपन्स जो हैं वो काफी डायनेमिक होगी, जैसे चेयर गले में फंस जाती है, ट्रैश कैन सर पे पहना सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, आई होप उसे एज अ वेपन भी हम हिट कर सकते होंगे। फिर डार्बी एलन स्केटबोर्ड पे था, सो यस दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ जो हमें रेसलिंग की गेम्स में चाहिए। डजंट हैव टू बी सुपर रियलिस्टिक एंड सुपर स्लो, अगर वैकी और ओवर द टॉप हो तो व्हाट मोर कुड अ गाय आस्क फॉर। और वेपन्स की मल्टीपल और डायनेमिक यूसेज होनी चाहिए, व्हिच फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक के समव्हाट तो वो होगी। लाइट्स आउट मैचेस, एक्सट्रीम रूल्स वाले मैचेस शुड एक्चुअली फील एक्सट्रीम, अनसैंक्शनड वाली फीलिंग होनी चाहिए जो सैडली WWE की गेम्स में नहीं आती, बेशक आप जितनी मर्जी वेपन्स यूज कर लें। इधर ऑन दी अदर हैंड वाकई फील होता है कि कोई खतरनाक मैच हो रहा है, ब्लड इफेक्ट्स अगर आप देखें तो दे आर ऑल ओवर द प्लेस, और रेसलिंग WWE की गेम्स की तरह सिर्फ माथे पे एक छोटी सी लाइन नहीं लगी होती। थैंक गॉड दे फाइनली गॉट इट राइट। अनाउंसर टेबल पे वो चवलपन जो 2K करता है ना वो नहीं होना चाहिए, इंस्टेड खुला फ्रीडम होना चाहिए लाइक वी हैड इन हेयर कम्स द पेन। उस पर कोई किसी को फेंक सकता है, उस पर से जंप मार सकते हैं, उस पर क्लाइंब करके डिफरेंट मूव्स लगाना, बैरिकेड की मूव्स होनी चाहिए, ग्रिल स्टाइल बैरिकेड्स है AEW में जो बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं ऑन इट्स ओन, तो उन्हें यूज करना। एंड आई एम सो ग्लैड के थंब टैक्स एज अ वेपन हम यूज कर सकेंगे। एंट्रेंस स्टेज की अगर हम बात करें तो उसकी प्रेजेंस फाइटिंग में फील होनी चाहिए, वहां यूनिक इंटरैक्टेबल स्पॉट्स भी होने चाहिए ताकि सारा एक्सपीरियंस खूब अलाइव और मजेदार फील हो, और इनविजिबल वॉल्स वाला सीन ना हो जब भी हम एंट्रेंस स्टेज पर जाया करें। ऑफिशियली अनाउंस्ड मैचेस में वी गॉट वर्ड दैट लाइट्स आउट मैच, फॉल्स काउंट एनीवेयर, एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर मैच, लैडर के साथ स्टैंडर्ड मैचेस भी होंगे जैसे सिंगल्स, टैग टीम, थ्री वे एंड फोर वे, इंटरजेंडर जिसका गेम प्ले भी है जहां एडम कोल और ब्रिट बेकर फाइट कर रहे थे, दैट वाज प्रीटी कूल, कैसीनो बैटल रॉयल भी है, डिसेंट लिस्ट ऑफ मैचेस हैं। हालांकि आई वुड लव टू सी के कुछ गिमिक मैचेस जो AEW में काफी हुए हैं वो भी हों। इसी सब के साथ मैं फ्रेंड्स जो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग बात है ना वो ये है कि जो स्टील केज मैच है वो इस गेम के अंदर नहीं है। दिस इज जस्ट बैड एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रूम फॉर फॉरगिवनेस ऑन दिस, क्योंकि AEW के केज मैच अपने आप में इतने जबरदस्त गए हैं।
अच्छे और एंजॉयबल गेम प्ले के साथ जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रेसलिंग गेम्स के लिए वो है एक वाइड वैरायटी वाला रोस्टर। AEW की गेम शिप होगी 50 रेसलर्स के साथ। आई डोंट फील ऑल दैट ग्रेट अबाउट इट बिकॉज नाउ व्हेन वी लुक एट WWE गेम्स उनका रोस्टर काउंट अगर आप चेक करें तो वो काफी मैसिव है। वो अलग बात है कि उसके अंदर 10-10 तरह के अंडरटेकर, ट्रिपल एच और जॉन सीना वगैरह होते हैं, बट स्टिल। फिर अगेन, रेसलिंग एवर इवॉल्विंग है, एवर चेंजिंग बिजनेस है। ऊपर से AEW खुद टिकने का नाम नहीं लेते, कभी डेब्यूज, कभी रेसलर्स का जाना। कोडी इज सेट टू बी आउट ऑफ द गेम। CM Punk वाला फड्डा अलग चल रहा है जिसकी वजह से आप Punk को प्रमोशनल मटेरियल पे भी अब नहीं देखते। आई होप एटलीस्ट जितने भी सुपर एक्टिव नाम है अपार्ट फ्रॉम द मेन नेम्स, इन सबसे हटके गाइज लाइक बिली गन, फ्रेंकी कजेरियन, क्रिस्टोफर डेनियल्स, ट्रेंट द बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी हैं जो डे वन से AEW के साथ हैं। जितने अपराइजिंग फैन फेवरेट्स हैं वो भी होने चाहिए और न्यू एडिशन स्पेशली होनी चाहिए विद पेज बीइंग देयर लेटेस्ट बिग साइनिंग। क्रिएटर रेसलर गेम में है, साउंड्स लाइक क्रिएशन सुइट काफी रोबस्ट होने वाली है जहां हम एक्चुअल रोस्टर को भी ट्वीक और एडिट कर सकेंगे। अब WWE गेम्स ने थ्रू कम्युनिटी क्रिएशंस एक बड़ी ट्रिक खेल के अपनी गेम्स में ऐसी लाइफ ऐड कर दी थी जैसे 2K22 में आप ढेर सारे AEW स्टार्स डाउनलोड करके अपनी AEW के गेम बना सकते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग के पैनल ने गेम्स कॉम इवेंट पर बताया था कि इस गेम में क्रिएटेड रेसलर्स एज ऑफ नाउ शेयर नहीं हो सकते। सो आई होप कि कम्युनिटी क्रिएशंस वाला सीन इधर भी आ जाए वन वे और द अदर। एंट्रेंसेस की अगर हम बात करें तो वो काफी शॉर्ट है, सिमिलर टू TNA's गेम। कुछ फुल भी हैं और कुछ WWE ऑल स्टार्स की तरह की हैं, जिनमें से कूल बात ये है कि पायरो आप खुद टॉगल कर सकेंगे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है। अरीनास, एंट्रेंसेस, अटायर्स ये सब एडिट और बना सकते हैं विच साउंड्स ग्रेट। प्रेजेंटेशन की बात करें तो अक्सर फर्स्ट इंप्रेशंस ऐसे ही होते हैं कि ये गेम रियलिस्टिक या कोई बड़ी कमाल की नई लग रही विजुअल्स को लेकर। यहाँ पर आई हाफ एग्री क्योंकि यस, ये वो रियलिस्टिक लुक नहीं रखती। उसका रीजन है एज ये कोई सिम टाइप गेम नहीं है, इंस्टेड दिस इज जस्ट अ गुड ओल्ड आर्केड स्टाइल फाइटर स्लैश रेसलिंग गेम, जिसकी वजह से आर्ट स्टाइल या विजुअल्स थोड़े कार्टूनी हैं और थोड़े डिफरेंट हैं। बट क्या वो अच्छे हैं? वेल, सम ऑफ द मॉडल्स लुक रियली नाइस एंड एट द सेम टाइम सम एब्सोल्युटली डोंट। अगेन, अभी आई बिलीव इट्स टू अर्ली क्योंकि पहली रिवील से लेके आज तक जितनी भी लेटेस्ट फुटेज हमें देखने को मिली है वो सारी अंडर डेवलपमेंट से ही निकली है और थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स उनमें आहिस्ता आहिस्ता आ रही। AEW की गेम में प्रॉपर स्टोरी मोड इंक्लूडेड होगा। अब उसकी नेचर क्या है ये, इस पे कोई खास डिटेल्स या इन डेप्थ रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मेरी विश के रोड टू रेसलमेनिया टाइप हो, अगर तो ये किसी एक्चुअल रेसलर के थ्रू खेला जाएगा और अगर तो ये ऑल न्यू ओरिजिनल स्टोरी है जो क्रिएटेड रेसलर से खेली जाएगी, फिर आई होप इसमें ज्यादा फ्रीडम हो, मजेदार स्टोरी एंगल्स हो, प्लॉट ट्विस्ट्स हो, हील्स और फेसेस के साथ बैक एंड फोर्थ राइवलरीज, लेजेंड्स की अपीयरेंस और असिस्टेंस। इट शुड बी फ्रेश एंड न्यू। बहुत सा ऐसा टैलेंट ऑलरेडी AEW में है, बहुत सी ऐसी गिमिक्स हैं जिनको फ्रॉम अ क्रिएटिव एस्पेक्ट क्या कुछ नहीं किया जा सकता, जैसे स्टिंग को कोई विजिलेंटी एंगल दे दें, जेरिको के साथ कोई पेन मेकर आर्क चला दें, डार्बी एलन के साथ कोई वैकी क्रेजी सी स्ट्रीट ब्रॉल्स टाइप दे दें। आई मीन देर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड एंडलेस पोटेंशियल, लेकिन अब होता क्या है इन एक्चुअलिटी ये तो तभी पता चलेगा व्हेन द गेम कम्स आउट। सो यस माय फ्रेंड्स, ऑल इन मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम डरा हुआ भी हूँ कि एज अ फैन, एज अ गेमर, मैं चाहता हूँ कि मजीद और रेसलिंग गेम्स आए और WWE 2K से हट कर आए। इस गेम में पोटेंशियल तो नजर आ रहा है, ये जो फन फैक्टर था ना वो लग रहा है कि वापस आने वाला है, एक एंजॉयबल सा गेम प्ले वापस आ सकता है, मेकिंग दिस वन ऑफ दोज रेसलिंग गेम्स इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो सबके लिए रादर केटरिंग टू द वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड कोर ऑडियंस। लेट्स सी कि आगे वाले टाइम्स में और क्या देखने को मिलता है। होपफुली 2023 में जो ट्रेलर्स आएंगे उन पे रिलीज डेट लग जाएगी। सो आई वांट टू हियर एवरीथिंग यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग द अपकमिंग AEW वीडियो गेम। हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। फॉर मोर ऑन द AEW गेम एंड ऑन वीडियोस लाइक दीज, यू गाइस आर ऑलरेडी एट द राइट प्लेस एट IGN पाकिस्तान।